स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेडिकल फिफ्टीन पॉइंट फोर अ ट्रांसफॉमर डिजाइन टू कन्वर्ट दोल्टेज फ्राम टू फोर्टी वोल्ट ए सी मेन्स टू टोल्टज फोर हंड्रेड टर्न ऑन द प्राइमरी हाउ मेनी टर्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी दिन इफ़ द ट्रांसफॉर्मर वर हंड्रेड परसेंट एफिशेंट वट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी द करंट इन द सेकेंडरी कोयल वॉज जीरो पॉइंट फोर एम पे ठीक है अब आप सबसे पहले ये देखें कि ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है 240 वोल्ट को वो कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट में मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है तो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक है और प्राइमरी कोयल पे जो नंबर ऑफ टर्नस हैं फोर थाउजेंड है आपने सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्नस फाइंड आउट करने हैं फिर उसने कहा कि अगर ये हमारे पास हंड्रेड परसेंट एफिशेंट है जब आप पावर को कंपेयर कर देते हैं कि पावर प्राइमरी की और सेकेंडरी की इक्वल है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कोयल ठीक है तो सेकेंडरी कोयल में अगर जीरो पॉइंट फोर हम है तो प्राइमरी कोयल का आपने करंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कौन सा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो हम डाटा लिखेंगे प्राइमरी का जो वोल्टेज है वी बीस से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दिया हुआ है टू फोर्टी वोल्ट ठीक है और सेकेंडरी की वोल्टेज हमें उसने कहा है कि वो कन्वर्ट कर देता है उसको 12 वोल्ट में ठीक हो गया अब उसने कहा कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इस साइड के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं एन पी से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितने हैं फोर थाउजेंड और हमें करंट गिवन है सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है अगर उसने कहा है कि ज़ीरो पॉइंट फोर है तो आपने प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करना है ठीक है अब दो हमने यहाँ चीजें फाइंड आउट करनी है एक नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉयल और दूसरा प्राइमरी कॉयल में जो करंट होगा आई पी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम वो रिलेशन यूज करेंगे एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी ठीक है आपने एन एस फाइंड आउट करना है तो एन एस विल बी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाई एन पी अब वी एस हमारे पास कितना है ट्वेल्व और वी पी हमारे पास कितना है टू फोर्टी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन पी जो के हमारे पास फोर थाउजेंड है ठीक है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है टू हंड्रेड कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कोयल कितने हैं टू हंड्रेड अब आपने देखा जब आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे क्योंकि वो वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होगा कम कर रहा होगा अब आपने आई पी फाइंड आउट करना है तो आपको एक रिलेशन उसने बुक में दिया हुआ है कि पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ़ सेकेंडरी ठीक है अब पावर किसके इक्वल होता है आई वी के इक्वल मतलब आई पी और वी पी इज इक्वल टू आई एस और वी एस नाउ यू हैव डिफाइंड आई पी ठीक है आप क्या करेंगे वी पी को इस साइड पर ले आएंगे आई पी इज इक्वल टू आई एस वी एस ओवर वी पी नाव बाई दी वैल्यूज आई एस आपके पास कितना है ज़ीरो पॉइंट फोर ठीक है और वी एस कितना है ट्वेल्व और वी पी कितना है टू फोर्टी ठीक है आप इसको जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई uh, करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू एम्पेयर ठीक है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू ठीक है अब ये ज़ीरो पॉइंट जीरो टू है तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखने के लिए अगर आप इसका मिली बनाएं तो मिली का क्या मतलब होता है टैंडराइज टू पार माइनस थ्री तो मिली बनाने के लिए हम क्या करेंगे वन टू मतलब अगर यहाँ तक आए तो माइनस टू होगा अगर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दें ट्वेंटी बना दें तो फिर क्या हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी मल्टीप्लैब है टेन रेज टू पावर माइनस थ्री एम्पेयर ठीक है जब आप किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो टेन की जो पावर होती है वो नेगेटिव में आती है अब आपको पता है टेन रेज टू पावर माइनस थ्री किसके इक्वल है मिली के इक्वल है तो आप लिखेंगे कि आपके पास जो आई पी आया है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी मिली एम्पेयर ठीक है या आपके पास करंट इन प्राइमरी कोयल आ गया